ताकि टेस्ट अच्छा है क्यों, चिकन मसाला तो पड़ता ही है ना अफगानी पुलाव में। बना क्या रहे? अच्छा आज बन क्या रहा आपने? अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव, तो अफगानी पुलाव के लिए ये सब इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, और इसके ऊपर पानी भी डालेगी। अभी इसमें करूँ? चलेगा बेटा। इसमें पता है क्या क्या है? क्या क्या है? पहले तेल है, हाँ, तेल डालने का, हाँ, फिर चिकन, हाँ, फिर प्याज, टमाटर और धनिया मिर्ची। अब मैं हल्दी डाल रही हूँ। इसमें मैंने अभी हल्दी डाला है। तो अब मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ। पूरा एक पैकेट? हाँ। पूरा एक पैकेट चिकन मसाला। टेस्ट अच्छा है क्यों, चिकन मसाला तो पड़ता ही है ना अफगानी पुलाव में। अच्छा पूरा एक पैकेट डाल दीजिए। हाँ, अब क्या डालना है बता। अब पानी, पानी दो कप ना, पानी उससे एक कप में हो जाएगा मुझे लग रहा है। दो कप क्या, डेढ़ कप, थोड़ा सा और। अब नमक, नमक नहीं डाली थी क्या पहले? नहीं। अच्छा मसाला भरा होगा। ये जो गरम मसाला लास्ट टाइम तूने बनाया था ना बिरयानी मसाला। अच्छा वही मसाला है ना, कितने चम्मच डालना है? एक चम्मच डालेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा, इतना नहीं, इतना और डाल दे, थोड़ा सा और डाल। बस हाँ, बस हो जाएगा। कितनी सीटी में? दो सीटी का वेट करो। आराम से कर। अभी हम लोग चावल को भिगाना पड़ेगा ना हाफ एन आवर के लिए। हाँ, वो लो पहले। अभी इसको हाफ एन आवर तक भिगाना पड़ता है, क्योंकि ना चावल जो है ना जब पकाने के टाइम चावल खुले खुले आते हैं। हाँ क्या? हाँ ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। जब एक सीटी आए ना तो उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देने का। क्यों ऐसा, पहले क्यों नहीं? इसमें ना खुशबू अच्छी आती है और अच्छा बनता है। अच्छा, अच्छा हो गया, बड़े हो गए ना। अच्छा देखिए, वाव अच्छा है ना। इसको चलाओ थोड़ा। ये चिकन बॉईल करके मतलब हम लोग को पहले रख लेना है ना, फिर उसके बाद मसाले वसाले डाल के साथ नहीं, चावल डालना, फिर चावल डालना है। ये चावल का हमने पानी डाला है ना, वो पानी को भी यूज करना है ये चावल में हमने। तो ये 500 ग्राम्स चावल हमने डाल दिया है, वही वो उतने ही पानी में। नमक भी, नमक कम है थोड़ा, थोड़ा और नमक डाल दे। तू देख ना, ट्राई कर। अरे चल गए चल गए चल गए, नहीं कम है थोड़ा, थोड़ा और नमक डाल। रुक जा इतना। हाँ बस। हाँ गैस चालू कर दिए और सीटी लगा देना है। सीटी नहीं लगाना, लगाने तक पकाना है, जब तक ये पानी सूख ना जाए फिर उसको सीटी लगाना है। उसके बाद सीटी भी लगाना पड़ेगा। हाँ देखो उबाल, ठीक उबलने लगाओ, खुलाओ। ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो जो चावल है ना टूटने लगेगा, राइस टूटने लगेगा, मज़े नहीं आएंगे खाने में।
तो अभी कितना 10 मिनट छोड़ देना, 10 मिनट पानी हाँ सूख जाए तो हम लोग ऊपर में सीढ़ी लगा। अच्छा सो गाइज, ये अफगानी पुलाव जो बनाती है ना बहुत ही टेस्टी बनाती है, तो जब भी इन्हें बनाना रहता है ना अफगानी पुलाव तो इसी को ही बोलते हैं बनाने के लिए। तो आज इसने ट्राई किया तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं आप लोगों से शेयर करूं ये अफगानी बिरयानी। सीटी निकाल के हम लोगों को ये लगाना है। अच्छा मतलब सीटी निकाल के हमने ये लगाना है सीटी, स्लो पे रखो, कुकर बंद करना और स्लो पे रखना 10 मिनट तक, 10 मिनट तक का। हमारी से तो मेरे पास